कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपनाना, इश्क नहीं होता। ये ना वो बद्दी है औरत, इसका तो दिल किसी एक के साथ नहीं टिकता। बदसूरत औरतें खूबसूरत लड़कियों को इसी तरह बोलती। शक्ल देखिए अपनी। तौबा करे, शर्म नहीं आती आपको इस तरह की घटिया बातें करते हुए? और तुम बड़ी नेक पास हो, सुबह से लेकर रात तक फिल्में देखती रहती है ये रोमांटिक वाली गंदी वाली। खैर से शनीला और कासिम की मंगी, ये मंगी नहीं हो सकती। तुम्हारे मुंह में खाक क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? ऑल फॉल नहीं बकरे, सलीम को शनीला से मोहब्बत है, उसने खुद बताया फोन करके शनीला को। फजीलत पागल हो गई है, खुद ही सोच लिया, खुद ही मंग नहीं करने पर अड़ी हुई है। और जो कुछ मैंने देखा है ना, उसके बाद ये मुमकिन है ही नहीं। अम्मी मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, आप बस किसी तरह खाला को समझाने की कोशिश करें। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। ले आया हूँ मैं। सच में? अरे वाह। लेकिन बहुत महंगा हो गया, सोना बहुत महंगा है आजकल। महंगा है तो क्या हुआ, जा तो आपके घर ही रहा है ना, शनीला आप ही को मिलेगा, शनीला आप ही आपके घर जाएंगी। हाँ ये बात तो मैं भूल ही जाता हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम तीनों बहनों को कोई बीमारी है क्या, हर रात चलते को पकड़ लेती हो, शादी या मंगनी करने के लिए तैयार हो जाती हो? अच्छा अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? क्यों मैं ऐसा करता, और आखिर तुम लोगों में कमी किस चीज की है? देखिए आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, अब फायदे में मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है। यार छोटी मेरी मदद करो, पता है मैं इस पागलखाने में मंगनी करना नहीं चाहता, कुछ सोचो ना। तो भाग जाए। कैसे भाग जाऊं, फिर वही बेवकूफों वाली बातें। अरे मुझे इस तरह फिजिकली भागना होता तो कब का भाग चुका होता। मैं आपकी जगह होती ना तो कब की भाग जाती। और खोटे सिक्के की तरह वापस भी आ जाती। कैसे? कैसे? चाबी बनवा ली? नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब क्या होगा, तुमने बाबा को भी रोक लिया, खुद भी यही बैठी हुई हो। चाबी यही है, मिल जाएगी। वैसे हद है, आप लोगों की वजह से ना वो सब भाग जाएंगे। कौन? एक ही बेचारा कजन है ना हमारा, वो पता नहीं कासिम भाई अपने बड़ों के कौन से गुनाहों का कफारा अदा करने यहाँ आ गए। कासिम भाई? जी कासिम भाई बदनसीब। कासिम भाई बदनसीब नहीं है। और छोटी तुम्हारी ना बहुत जबान चलने लग गई है, लाओ चाबी मुझे दो और जाके ख्वाब देखो, सन देखे अनजाने के। अरे अम्मी आप कहां गई? वो फितनी कौन? वो जो अपने माँ बाप की नाक के नीचे अफेयर चला रही है तुमसे। अरे अम्मी मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। अच्छा तो लिपट लिपट के क्या बातें कर रही थी वो? अम्मी मेरी छोटी कजन है और हर बात का एक ही मतलब नहीं होता। नहीं होता, मैं मानती हूँ कि नहीं होता, मगर इस घर में हर बात का एक ही मतलब है कासिम, और वो है इश्क। मुझे छोटी से कोई इश्क विश्क नहीं है। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ ना अम्मी। तो फिर शहनीला? बिल्कुल भी नहीं, क्या बात कर रही हैं आप। अच्छा यानी के फजीला। अम्मी क्या हो गया आपको, जरूरी है कि इस घर में रहने के लिए मुझे किसी ना किसी बहन से इश्क करना लाजमी है? कासिम
तुम ये सच कह रहे हो कि तुम्हें इन तीनों में से किसी से इश्क नहीं है? बिल्कुल पक्की बात है। तो बस फिर हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या? कि यहाँ से हम भाग चलें। मैं आपको लेकर भाग जाऊँ? फजीलत तो बिल्कुल पागल हो चुकी है, उसके जहन पर बस एक ही चीज सवार है कि किसी ना किसी तरह से उसकी तीनों लड़कियों की शादी हो जाए, बस उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा। अम्मी हमें खाला को रोकना होगा, इस तरह जिंदगियां थोड़ी गुजरती हैं। वो नहीं रुक सकती, वो तो सब इंतजाम किए बैठी हुई है, वो तो अंगूठी लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसका ख्याल है कि तुमने जू ही अंगूठी पहनी शादी पक्की होगी। आप जान, अरे कासिम चल चल बेटा भाग चले चल। नहीं, अरे आप जान कहाँ चली गई? अम्मी बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। सुनो, ये लंगड़ी तो नहीं आई थी तुम्हारे पास? नहीं। जरा दूर रहना, बहुत शातिर औरत है। जी अम्मी। और वो, अरे तुमने साड़ी नहीं पहनी? पागल हो गए हो, साड़ी नहीं पहनी? इतने काम बिखरे पड़े हैं, अब मैं साड़ी लपेट के घूमूं क्या? अभी तो मैं अब जान और कासिम को देखूं, पता नहीं कहाँ चले गए। वहाँ तो देखो ढेरों सामान पड़ा है, मिठाई के टोकरे। और सुनो, तुम लाइट वाले को देखो जाके वहाँ। अब्बू बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी। मैं जरा लाइट वाले को पता कर लूँ। अब इतनी तैयार हो के मनुस लगी रही हो तो जाओ पहना अंगूठी, दफा हो यहाँ से। चली जाऊंगी, तुम्हें क्या है? वैसे भी तुमने तो अम्मी को धमकी दी है ना कि मंगनी ना हो। अम्मी ने बता दिया? ठीक की बड़ी हल्की है वो। हाँ जाओ तुम प्लान्स बनाओ, खाला के कान भरो, और तुम्हें आता ही क्या है? खाला के कान भरने की जरूरत नहीं, वो तो बेहोश हो गई थी खबर सुन के। वो बेहोश नहीं हुई, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब। हाँ हाँ, वो खुशी के मारे मर ही जा रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी घटिया किस्म की बहू मिल रही मुझे। हाँ तो असगर 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 कहाँ है? असगर असगर क्या हुआ? क्या कह रही हो भाई? हाँ आप जानो कासिम भाग गए। भाग गए? भाग गए? Thank you.
शुरू आ गए फसीलत। कमीनी मेरा बैग दे। दरवाजा खोलो, नसीब बार बार दस्तक नहीं देता। जाओ जी। निकला? हाँ निकला है। शुक्र। लेकिन ये कोई तरीका नहीं अम्मी, आपको पहले ही खाला को गलत फहमी में नहीं रखना चाहिए था। फिर मैंने कौन सा गलत फहमी में रखा है? मैंने तो यही सोचा कि सगी भांजियां हैं, इंसान सोच ही लेता है। बा आवाजें बुलंद तो नहीं सोचना चाहिए था ना? मैं कौन सा आवाजें बुलंद सोच रही थी? यही सोचा था कि फजीला बड़ी है, उसका हक बनता है। तो सोचा तो था ना आपने? अच्छा बाबा सोचा था, मगर वो तो जैसे उधार लिए बैठी थी, पहले बड़ी और फिर बिला वजह दूसरी। और कासिम तुमने भी ना हद की है छोटी वाली के बारे में। मैं देखें एक बात अच्छी तरह समझ ले, छोटी सिर्फ मेरी कजन है, इसके अलावा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा कासिम अब इतना भी झूठ ना बोलो, इतना ना चलाओ, अब सीधी तरह से घर चलो और अपनी ट्रांसफर वापस करवाओ, वहां मैं नहीं जाने दूंगी अब तुम्हें। ये फैसला करने का वक्त अब हमारे हाथ से निकल चुका है। पुरानी बातों को अब भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ। अरे बड़ी मुश्किल से हम मिजाज लोग मिलते हैं, और आपका और हमारा खानदान तो बिल्कुल एक जैसा है। ये, अरे तुम लोग जो मर्जी समझो, मैं तो तुम्हारी बच्चियों को अपनी औलाद की तरह समझती हूँ। अगर उन पर कोई हक है तो असगर भाई आज इनकार ना कीजिएगा। देखो ये अंगूठी जो है ना फजीलत, ये मेरी मरहूमा सास की है। ये वो सलीम की दादी की? हाँ। सब इंतजामात तो हो गए ना, एक पन दो काज हो जाएंगे आज। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अब वो खाला भी मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में ये रस्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो खाला कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, गायब लग रही मुझे तो मनुस मारी वो। आप लोग इंतजार कीजिए, मैं बच्ची को बुला कर लाता हूँ। जी जी अच्छा बुला लें। फजीलत जरा आना तो। उठो फजीलत, इतनी सुस्त हो गई हो तुम तो, जाओ जाके देखते आप। क्या मजाक है, जवान बच्चियां चोचने नहीं खत्म हो रहे इनके। भला ये वक्त है बीवी को अंदर बुलाने का? भाई पहले यहाँ का तो मसला हल कर लो, बच्चियों का पता नहीं चल रहा, कहीं बसों में घूम घूम के पूरी कराची की बसों के धुएं सूंघ गए। बहुत देर लगा, कब आएंगी? अच्छा ठीक है अब्बू। सुनो छोटी, मुझे लगता है खाला ना अंगूठी खरीदने चली गई है। तुम दोनों ना बहुत हंसे दो, लेकिन देखना कासिम की मंगनी मुझसे होगी और होके ही रहेगी। शनीला आपे मेरी बात सुने, आप वो तुम भी उस फजीला के साथ मिल गई? नहीं नहीं बात वो नहीं है, बात ये है कि मैंने कासिम भाई से कहा था कि वो भाग जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? वो खाला जबरदस्ती की मंगनी पर तैयार ही नहीं थे, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप भाग जाए। तुमने उनको कहा कि भाग जाए? जी, वो बेचारे बहुत मुश्किल में थे, ना अम्मी उनकी बात सुनने को तैयार थी और ना ही खाला राजी हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाग जाएं। आ जाओ, सुनो और घूंघट काट लो और कुछ बोलना मत, आंखें बंद रखना जब तक मंगनी ना हो, समझी? बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। वैसे एक बात बताएं आप दोनों,
आप दोनों ने कासिम भाई की शक्ल देखी है? वो इस काबिल है कि उनके लिए इतना लड़ा जाए? तुम चुप करो। कासिम, पागल हो गए हो तुम? क्या कह रहे हो? मुझे दिल का दौरा पड़ा। अरे दौरा कब कह रहा हूँ अम्मी, दर्द कह रहा हूँ। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। ये क्या हुआ? अब जान ने ऐसा क्यों किया? उसको छोड़ो, खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने सलीम की माँ को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। फरिश्ता? ऐसा फरिश्ता? हाँ, वो फरिश्ता है। सारी तैयारी हो गई थी, लड़की तैयार बैठी थी और लड़के वाले भाग गए। बेइज्जती! किसी को क्या पता कैसी बेइज्जती। हमें तो मालूम है ना, तो ऐसा है कि कम से कम इंसान को अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल होना चाहिए। तुम मेरी बात सुनो। नहीं, आज तुम्हें मेरी सुननी होगी। सुन रही हूँ। खुश, कहिए क्या कहना चाह रहे हो। शनीला को लेकर जाओ और अंगूठी पहनवा दो। शनीला को? हाँ, शनीला। देखो, आज ये मंगनी हो गई ना तो कम से कम वो बहल जाएगी और आपा के मुंह पर जूता भी पड़ेगा। आप जान के मुंह पे कैसा जूता? इसलिए कि वो हमारे मुंह पर जूता मार कर गई हैं। हमें क्या पता क्या बात है? कोई भी बात हो, शहनीला को ठुकराया गया है, लेकिन अल्लाह हम पर मेहरबान है कि उनसे ज्यादा कदरदान औरत इतना झुक के आई है। मगर क्यों? मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। जाओ, शहनीला को लेकर जाओ। मेरी बेटी बड़ी नसीबों वाली है। आ जाओ, वो लोग आ गए, अंगूठी पहन लो। अम्मी, वो लोग आ गए? हाँ। आ जाओ, सुनो और घूंघट काट लो और कुछ बोलना मत। आंखें बंद रखना जब तक मंगनी ना हो, समझी? जब तक अंगूठी ना पहनाई जाए सर भी मत उठाना। मगर क्यों अम्मी? इसलिए कि अंगूठी पहनाने से पहले अगर तुम्हारी नजर तुम्हारी सास पर पड़ गई तो हमारे यहाँ बहुत मनहूस माना जाता है उसे। जी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कासिम भाई झूठे भी हैं? नजरें नीचे करो, आंखें मत खोलना। अच्छा, बिस्मिल्लाह कीजिए बहन। हाँ। फजीला आपी, क्या करें, होश करें।
मामला वो नहीं है जो नजर आ रहा है। जो है वो सामने है छोटी, अब तो मुझे क्या दिखाना चाहते। ड्रामे बंद करे, मेरे साथ आए। ले मेरी चंदा, तूने तो हमें बुरादे के कोफ्ते खिलाए थे ना हमारे सर आंखों पे, लेकिन ये बूर के लड्डू नहीं। आप था ना मैंने कि बात वो नहीं है जो नजर आ रही है। ये चक्करी नुमा औरत मेरे हर आने वाले रिश्ते पर कब्जा करके ही छोड़ा ना इसने। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आपा मेरे साथ ये सब कुछ करेंगी। अरे मैं तो उनकी इकलौती बहन हूँ और ये सब कुछ उनकी मर्जी से ही तो हो रहा है। अरे तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उनके और हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है पैसे की। हाँ ये मैं भूल गई थी, मगर कासिम का बच्चियों के साथ हंसना हंसाना महज खुशबख्ती थी। वो तोहफे तहाइफ, चंद लम्हों का हंसी तमाशा, आपा का बच्चियों से प्यार मोहब्बत करना। अरे मैंने कहा ना ये सब वक्त गुजारी था। ये अमीर लोग अपने गरीब रिश्तेदारों से कुछ वक्त के लिए मिलते हैं और जब ये देखते हैं कि गरीब रिश्तेदार इनसे उम्मीदें बांध रहे हैं तो फौरन दामन झटक देते हैं। और भाई फजीलत ये तो मानो ना, ये मंगनी की कोशिशें एक तरफा थी। शहनीला ने कहा था और तुम उस बच्ची के कहे में आ गए। खैर ऐसा भी नहीं है, मैं जानती हूँ कि लड़कियों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते, 100 बलछल खेलने पड़ते हैं। आपा वाली बात ना होती तो ये सलीम और उसकी माँ कहाँ काबू आते। ये क्या बात हुई? ये हुई ना बात, ये हुई बात। देखो अगर आपा और कासिम का डर ना होता इन्हें तो ये पड़ोसन जाके कभी वहाँ रिपोर्ट ना करती कि यहाँ मंगनी हो रही है। लेकिन फिर भी आपा ने अच्छा नहीं किया। आखिरकार मेरी ही झूठन खाई तुमने। देखो सलीम शुरू से ना मुझे पसंद करता था और उसने उस दिन कहा था। अच्छा तो फिर कासिम भाई को क्यों भगाया तुमने? मैंने नहीं भगाया, उन्हें कोई काम याद आ गया था। अच्छे खासे राजी थे वो हम दोनों के लिए, इसीलिए खाला को भी यहाँ लेकर आ रहे थे। लेकिन अब पता चला किसी तीसरी से मोहब्बत कर बैठे हो, उनके ऑफिस में काम करती है। मेरी बला से खाला को ना वो पसंद नहीं है। मेरी बला से? तो इसका मतलब है कि वो फिर यहाँ आएंगे? मेरी बला से। और तुम उस वक्त किसी गंदी सी गली में छोटी सी दुकान में अपने शोर के साथ कपड़े नाप रही होगी और फिर तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकोगी। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। वैसे एक बात बताएं, आप दोनों ने कासिम की शक्ल देखी है? वो इस काबिल है कि उनके लिए इतना लड़ा जाए? तुम चुप करो, तुम जाओ और नया मोबाइल खरीदो और मूवी और गाने देखो और इंतजार करो किसी का। मुझे वैसे करना वही चाहिए क्योंकि मुझे आप दोनों की सर्कस देखने का कोई शौक। बदतमीज है, तुम पर गई है वो। तुम पे गई है, तुमने बिगाड़ा उसे। तुमने बिगाड़ा है। मेरा बस चले ना, चप्पल लो उसको मारू मैं। तुम्हारी वजह से वो ऐसे बोलती है। हे कासिम, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इस तरह से भाग कर आने पर। अरे अम्मी 50 दफा बोल चुकी हैं आप ये बात। हाँ तो हो रही है ना शर्मिंदगी, तो यूं करें ना कि खाला को फोन कर दें और कोई बहाना लगा दें। मसलन फॉर एग्जांपल क्या बहाना बना दूं मैं?
फॉर एग्जाम्पल आप कह दें कि वो आपको वो दर्द उठा था, वो दिल में दर्द टाइप नहीं होता, तो और आप हॉस्पिटल चली गई। कासिम पागल हो गए हो तुम, क्या कह रहे हो, मुझे दिल का दौरा पड़ा। अरे दौरा कब कह रहा हूँ अम्मी, दर्द कह रहा हूँ। अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह भी दूं तो वो ये भी तो पूछेगी ना कि इतला क्यों नहीं दी, कोई खत क्यों नहीं लिख दिया, वापस आ जाती अस्पताल से फिर। अम्मी आप खत तो लिख नहीं सकती और इतला देने के लिए आप फोन करेंगी, मोबाइल आप वहीं पर भूल कर आ गई थी और घर इसलिए आ गई ताकि आप आराम कर सके, बात खत्म। हाँ बात तो तुमने बहुत अकलमंदी की है। अच्छा लाओ फोन दो। अच्छा और ये जरूर बता दीजिएगा कि ये जो दर्द है ना उनकी अजीब हरकतों की वजह से हुआ आपको। खैर ये तो मैं नहीं कह सकती ना, लो फोन दो। अरे कह देना एक ही दफा ताकि ये चैप्टर क्लोज हो। अच्छा और वो जो तुमने चैप्टर खोल रखा है वो छोटी वाला वो है? वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कासिम वो है। अम्मी फिलहाल आप इस किस्से को छोड़ें और अपनी इस गिल्ड को खत्म करें, ये लें फोन करें। अरे मेरे अल्लाह इस लड़की ने मुझे ऐसा पागल बनाया था, बात तक तो करने नहीं दे रही थी। लेकिन बात सुन छोटी, फजीला के लिए भी तो उन्होंने खुद ही मना किया था। तो अम्मी शनीला आप के लिए कब हामी भरी थी? हाँ ये तो है, मुझे पता था आपने मुझे किस लिए रोका है, यही पूछने के लिए ना फजीला आपे की जगह शनीला आपे कैसे आ गई? बहुत ही बदतमीज हो तुम। तो ये नहीं पूछना था आपने? हाँ पूछना तो यही था। बेखाला मुझे नहीं पता किसी भी चीज के बारे में। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। अल्लाह तेरा शुक्र। हाय हाय, तू तो ठहरा सदा का निकम्मा सलीम, ये तो सारी मेरी मेहनत है ना। मैं उस दिन उनके घर जाती और ना ये फरिश्ता नुमा औरत मुझे मिलती और ना ही आज हम तेरी मंगनी की तैयारी कर रहे। बिल्कुल ठीक कहती हो अम्मा तुम, इंतहाई काबिले एहतराम खातून है वो, अल्लाह ताला ने उन्हें हमारे लिए फरिश्ता बना के भेजा। अरे ऐसा वैसा भाई, मेरा हाथ पकड़ के अंदर कमरे में ले गई, बस उसके बाद तो खाला चाट मसाला का पत्ता साफ और हमारी पसंद की जो लड़की थी वो दुल्हन बनी बैठी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे पता नहीं कैसे कैसे अल्लाह के बंदे आम लोगों की शक्ल में फिर रहे हैं। और अम्मा तुम क्या समझती हो, ये जो मैं रोज धागे बांध बांध के आता हूँ उनमें कोई असर नहीं होता, ये उन्हीं धागों का असर है जो तुमको खाला अल्लाह वाली मिली। अरे सही कह रहा है, दुआओं में बड़ी ताकत है। और वो खाला चाट मसाला, अरे ऐसी गायब हुई जैसे गधे के सर पे से सींग। बहुत पूछा मैंने लेकिन आए माए शाएं करती रही। हो सकता है अम्मा खाला अल्लाह वाली ने मक्खी बनाकर उसे दीवार से चिपका दियो। ना 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 बेटा ऐसे अल्फाज ना बोल, अरे इन पहुंचे हुए लोगों के लिए ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह मुझे माफ करना, तौबा तौबा, आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा। लेकिन वो गई कहाँ? छोटी ये पुराना रेडियो उठा के फेंक, इसमें से सारे खटमल आ रहे हैं। अम्मी के खाला कहाँ गई हैं? जाहिर है अपने घर गई होंगी, और अगर जाना था तो मुझे बताती, सारा सामान हद ये के फोन भी छोड़ के चली गई। मैं आपको बताऊं कि खाला क्यों गई हैं? क्यों? ये जो आपने शनीला आपी के कहने पर कल फिल्मी मंगनी का ऐलान किया था ना, इसी वजह से गई। तुझे किसने बताया? कासिम भाई ने बताया, उन्हें कभी भी शनीला आपी पसंद नहीं थी। ओ
और वो जिस तरह से फजीला आपे के साथ पेश आते थे ना, तो शायद। अच्छा, तो ये सब मैंने किया है। अरे मेरे अल्लाह, इस लड़की ने मुझे ऐसा पागल बनाया था, बात तक तो करने नहीं दे रही थी। लेकिन बात सुन छोटी, फजीला के लिए भी तो उन्होंने खुद ही मना किया था। तो अम्मी, शनीला आपे के लिए कब हामी भरी थी? हाँ ये तो है। मेरी बात सुने अम्मी, मैं आप लोगों से छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरा तजर्बा आप लोगों से बहुत ज्यादा है। जो लोग इस तरह से मंगनी शादियों पर राजी हो जाते हैं ना, वो किसी और ही दाव पर होते हैं। और इस तरह से अगर मंगनी शादी हो भी जाए तो ज्यादा देर नहीं रहती। ए, ए, ये भी फेंक दे और वो रेडियो भी फेंक दे, उसी में खटमल लाए सारे। आए आए आए, कितनी गर्मी चल रही है। आए ए छोटी छोटी छोटी, जरा बात तो सुन। ये बता, ये शलीला का रिश्ता तो कासिम से हो रहा था और मंगने की तैयारी चल रही थी, ये अचानक से खाला की दर गायब हो गई और दुल्हन क्यों बदल गई? मुझे पता था आपने मुझे किस लिए रोका है, ये पूछने के लिए ना, फजीला पे की जगह शलीला पे कैसे आ गई? बहुत ही बदतमीज हो तुम। तो ये नहीं पूछना था आपने? हाँ पूछना तो यही था। बे खाला, मुझे नहीं पता किसी भी चीज के बारे में। बहुत ही बदतमीज हो। इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? अब एक चीज मुझे नहीं पता तो यही कहूंगी ना कि मुझे नहीं पता, बदतमीज कैसे हो गई? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ जा कहाँ रही हो इतनी तैयारी में? कि फोन बेच के नया टैब लेने। अरे किरण इलेक्ट्रॉनिक चली जाओ ना। मैं नहीं जाती उन चोरों की दुकान पर, वहाँ सारे दो नंबर मोबाइल बिकते हैं, मैं तो कहीं और ही जाऊंगी। खुदाफिस वाला, मुझे देर हो रही है। बड़ी फुर्तियाँ दिखा रही है। अच्छा फिर मैं खुद ही जाके मसले को हल करती हूँ, जाके फजीलत से पूछती हूँ कि ये फजीला के या सबके रिश्तों का क्या किया। दिमाग जरा ठिकाने लगा के आती हूँ, अगर ज्यादा चलती ना पूरा मोहल्ले को छान लेती क्या हो रहा है। आए ये सारा कसूर तुम्हारा है ना, तुम इतनी जल्दी मचाती ना वो यहाँ से घबरा के भागती। आपको किसने कहा? छोटी ने। छोटी तो है ही बदतमीज। नहीं बदतमीज की बात नहीं है, जो कहा उसने ठीक कहा। तो आप भी मुझे गलत समझती हैं? बात सही या दुरुस्त की नहीं है। अम्मी एक बात बोलूं आपसे, इस सारा कसूर ना आपका है, ना उस फजीला का जिक्र करती ना उनका दिल खराब होता। और कल एक मिनट, कासिम का फोन आ रहा है। हेलो, लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। झूठे वो नहीं है, झूठी तुम हो छोटी। अच्छा ये बताएं, आपको किसने बताया कि खाला के दिल में दर्द उठा था? उन्होंने खुद अम्मी को फोन करके कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शनीला, क्योंकि उनको छुटकारा हासिल करना था, उन्होंने कर लिया। अब वो फोन करके जो भी बहाना बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी मंगनी अब सलीम के साथ हो चुकी है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अभी खाली शनीला की बात हुई है ना, अगर तुम फजीला को भी उसके साथ वहां भेज दोगे तो हो सकता है, और फिर हम बेटियों के माँ बाप हैं। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता, देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपना।
नहीं होता लगे रहे।